आप सब, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो ये अपडेट है, ये शायद आप पहले से जानते होंगे, लेकिन इसमें हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि जब एग्जाम का डेट या फॉर्म एडिट करने का डेट जो है, वो फॉर्म एप्लीकेशन आया, उसके बाद उसको एडिट करने का एक बार डेट आया, फिर ये बार बार बढ़ रहा है, तो इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। ये एक बहुत, मतलब थोड़ी अजीब बात हो गई है। बिहार में वैकेंसी बहुत सारे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन टाइम की अनुपलब्धता कहिए या कुछ अनिश्चितता आ जा रही है, जिसकी वजह से हर एग्जाम लगभग, ये जो छोटे तौर के जितने भी एग्जाम हैं जिनमें संख्या बहुत ज्यादा है, उसका एग्जाम कंडक्ट कराना मुश्किल हो जा रहा है। तो थोड़ा बात करेंगे इस पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार के सारे एग्जाम को हम अपडेट देने वाले हैं। मैं खुद बिहार डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में हूँ और आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ। बिहार पुलिस का तीनों एग्जाम दरोगा मैंने क्रैक किया है, आप सब जाकर के देख सकते हो रिजल्ट वाली वीडियो। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो, ये पहली बार आपको बढ़ाने के लिए तिथि दी गई थी 18/1 से 18/2 तक, ठीक है। आगे बढ़ोगे जब इसमें तीसरे पैराग्राफ में जब आप आइएगा, तो इसमें आप क्या क्या ठीक कर सकते हो। जैसे किसी ने पासवर्ड भूल गए हैं, तो उनका फॉरगेट पासवर्ड कर दो, न्यू पासवर्ड ओटीपी प्राप्त कर लो, क्योंकि बहुत बच्चे अभी भी ओपन करके देखे नहीं है अपना। अभ्यर्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की अंतिम तिथि, ठीक है, 18/2 के स्थान पर 18/3 किया जाता है। 18 मार्च तक आराम से एडिट करिए, क्योंकि बहुत बच्चे एडिट नहीं किए हैं। बिहार के बच्चे एक्चुअली फॉर्म भर के वो आराम से रहते हैं कि हाँ, तो इसकी वजह से ये भी ये आगे बढ़ाया जा रहा है। बार बार मौका इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एग्जाम अभी आगे होना है। हमें नहीं लगता है कि 4-5 महीने अभी से, जब ये वीडियो आप देख रहे हो उसके 3-4 महीने के बाद ही एग्जाम का शेड्यूल बनेगा। तो आप मंथ खुद जोड़ सकते हो, क्योंकि कोई शेड्यूल नहीं आ रहा है। अप्रैल में सारा मशीनरी जो होता है ना, इलेक्शन जैसे ही अनाउंस होता है लोकसभा का, तो वो राष्ट्रपति के सारे जो मतलब आदेश के अनुसार पूरे देश के जो ऑफिसर्स होते हैं, आपके कर्मचारी होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन के तरफ हो जाते हैं। मतलब उनके काम को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके गुलाम हो जाते हैं, लेकिन उनको करना पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है भाई, जनता को चुनना है अपना अपना लीडर। तो इस वजह से तो ये कर नहीं पाएंगे अप्रैल तक। अप्रैल के बाद आपको 2-3 महीने और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, तो ये संभावना आप समझ लो एग्जाम का, आपका डेट कितना आगे जा सकता है। बाकी आप पढ़ाई जारी रखो। सारे प्लेलिस्ट में हमने अपने जो नए प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड किए हैं, वो आपके लिए बहुत काम के हैं, जो डिजिटल बोर्ड पे आ रहा है। पुराने वाले प्रैक्टिस सेट जो है, वो आपको मालूम ही है कहाँ पे आया था, वो मैंने पुराने तरीके से पढ़ाया था, तो वो भी आपके काम का है। उसको 2x पे करके जरूर देखिएगा। सारी क्लासेज जो टाइम से आ रही है, क्लास का टाइम टेबल जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच।